हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है। कह रहा है कि हरप्रीत बारोड ₹20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड। हरप्रीत ने क्या किया, बारो किया ₹20,000 अपने फ्रेंड से। बारो करने का मतलब क्या होता है कि ऋण लेना। किसी से जब हम लेते हैं तो उसको कहते हैं बारो करना। ओके, तो कितने पे ली, 12% पर एनम के हिसाब से ली, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पे ली। ओके, लेकिन उसने एक हरप्रीत ने एक दिमाग लगाया। उसने क्या किया कि सी लेंट इट, उसने क्या किया किसी और को दे दिया ऋण पे। किसको, आलम को दे दिया एट द सेम रेट, सेम रेट पर, बट कंपाउंडेड एनुअली, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दिया। ठीक है, तो फाइंड हर गेन आफ्टर 2 ईयर्स। तो बताना है कि उसका गेन कितना हुआ 2 साल के बाद। अब बिल्कुल गेन होगा ही होगा, क्योंकि हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो ज़्यादा आता है सिंपल इंटरेस्ट से, तो गेन होगा ही होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर उसके बाद से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगा हमारा आंसर। ओके, तो गिवन दैट, हम लिख सकते हैं कि गिवन दैट क्या दिया है, प्रिंसिपल पी बराबर क्या दिया है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कैपिटल आर इज इक्वल टू दिया है 12% पर एनम। ओके, अब जो है टाइम जो दिया है वो दिया है 2 ईयर्स। करेंगे क्या, यहाँ से निकाल देते हैं सिंपल इंटरेस्ट, क्योंकि अलग अलग निकालना ही है, तो यहाँ से निकाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 इज इक्वल टू हो जाएगा 20,000। पी तो कितना है, 20,000 है, आर कितना है, 12 है। अब देखिए टाइम जो है 2 लग देंगे डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि 2 साल का हमें निकालना ही है, अपान 100। तो 2 0 कट गया, 2 0 से 12 दिन 24 दिन 48, 48 हो गया, और ये 00 मानी कि 4,800 रुपीज़ आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब हम निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। अब हम निकाल रहे हैं यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, तो हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, इसके लिए निकालेंगे, लेंथी प्रोसेस थोड़ा सा है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, इंटरेस्ट फॉर दी फर्स्ट ईयर, तो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 ही लगाएंगे इसमें भी, और पी जो है 20,000 है इंटू 12% इंटू टाइम कितना लग रहा है, 1% वन मतलब। ओके, और ये 2 0 कट गया, 2 0 से कितना बचा, 12 दिन 24, 240, और ये 00 बढ़ जाएगा, तो 2,400 रुपये लग रहे हैं एक, मतलब साल का जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 2,400 आ रहा है। ओके, अब क्या करेंगे कि इस इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे प्रिंसिपल में। तो लिख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट हम कि प्रिंसिपल, सॉरी, प्रिंसिपल फॉर फॉर दी सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए जो प्रिंसिपल लेंगे वो क्या करेंगे कि फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में, मतलब कि 20,000 में ऐड कर देंगे इंटरेस्ट, मतलब 2,400 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2,240 रुपीज़। ओके, इतना हुआ प्रिंसिपल। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रिंसिपल सेकेंड ईयर के लिए। तो अब निकाल सकते हैं इंटरेस्ट फॉर द, अब निकाल लीजिए इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के लिए जो इंटरेस्ट होगा वो वैसे निकलेगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 करके, पी कितना है 22,400। अब देखिए दूसरी साल का जो इंटरेस्ट ले, जो प्रिंसिपल लेंगे वो आपका यही लेंगे पी 22,400। ओके, इनटू यही डिफरेंस होता है बस कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में। ओके, आर हो जाएगा 12% और टाइम जो है 1 हो जाएगा, फिर 100 हो जाएगा, 0 0 कट गया, 0 0 यहाँ पे कटा, 12 से हम अप्लाई कर देंगे तो मिलेगा 12 × 48 = 8, 4 बचा 12 दिन 24, 24 और 4 28 का 8, 2 बचा 12 दिन 24, 24 और 2 26, 2,688। तो ये हो गया इतना रुपये सेकेंड ईयर का। तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स इज इक्वल टू,
कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, मैंने फर्स्ट ईयर का जोड़ देंगे, मतलब कितना है, सॉरी 2400 में ऐड कर देंगे 2688, कितना आ जाएगा 8 8 6, 6 4 10 का 0 1 बचा, 2 2 4 1 5, 5 0 8 0। ओके, तो देखिए 5088 रुपीज़ आ गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का, और 1 साल का इंटरेस्ट यहाँ पर है सिंपल इंटरेस्ट 4800 ही रुपीज़ है। मतलब कि वो जब लेंड की है, हरप्रीत ने क्या किया है, किसी दूसरे से, अपने फ्रेंड से ली है, और फ्रेंड से ली है 12% सिंपल इंटरेस्ट पे, तो उसको देना पड़ेगा 4800। लेकिन ये किसी और को दे दी उसी समय और वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दे दी, तो उसको 2 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट मिल गया 5088। तो 5088 और देखिए 4800, तो 4800 ज़्यादा है या फिर 5088 ज़्यादा है, तो 5088 ज़्यादा है, तो बिल्कुल ही उसे फ़ायदा हुआ। तो कितना गेन हुआ निकाल सकते हैं हम, गेन इज इक्वल टू, लिख सकते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स माइनस सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स, बस ये घटा देना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 5088 माइनस सिंपल इंटरेस्ट कितना है 4800, 4800 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 8888 तो उतर ही जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 10 में से 8 जाएगा 2, 10 में से 8 जाएगा 2, बस 288 रुपीज़, 288 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ। ओके, यही आंसर आपका है। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए, यदि आपको अच्छा लगा तो। थैंक यू वेरी मच।